नकली कपास के बीज बेचने वालों को जाना होगा जेल। फाजिलका जिले में पिछले दिनों पुलिस ने राशिद कंपनी के नकली कपास के बीजों को बरामद करके 8 दुकानदारों के खिलाफ सीड एक्ट की धाराओं सहित 420, 120 बी के तहत मामले दर्ज किए थे, जिसके बाद गिरफ्तारी के डर से दुकानदारों की ओर से फाजिलका जिले के एडिशनल सेशन जज की अदालत में अग्रिम जनताओं की अर्जी दायर की गई थी और पुलिस की जांच के बाद गत दिवस उक्त कथित आरोपियों के खिलाफ धाराओं में वृद्धि करते हुए 465, 468, 471 धारा जोड़ दी। आज इस मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सेशन जज ने उक्त 8 व्यापारियों की अग्रिम जमानतें रद्द कर दी। सेशन जज सुधा लक्ष्मण सिंह की अदालत में कुल 8 जमानतां नकली बीज बेचने वाले दुकानदारों वालों गई सन, जो सारी दी सारियां बेल एप्लीकेशन मानयोग अदालत ने खारिज कीतियां। पहला यह FIR 420 सीड एक्ट अधीन दर्ज हुई सी, बाद विच इस मुकदमा 465, 167, 471 का वाधा किया गया सी, ठीक है, जिस के आधार पर मानयोग अदालत ने उक्त पुलिस वालों की तफ्तीश को सही मनते हुए सारिया बेल एप्लीकेशन खारिज कीतियां। ये टोटल इन्हों का मुख सरगना जोड़ा है वह मुकसर तो है, ठीक है, उतों लिया के बीज ये अरनीवाला विखे कुक्कड़ पेस्टिसाइड ना की दुकान है उसका मालिक लिया के बेचता सी, जिस तो अगे अपने उन्होंने एक चेन बनाई हुई जो फाजिलका टलीवाला बोतला कुइयां सरवर अबोहर विखे इन्हों का ग्रोह काम कर रहा है, किसानों को यह पूरी तरह ना लुट रहे। टोटल इस पुलिस रिपोर्ट मुताबिक 1050 नकली बीटी कॉटन के पैकेट आए सन, जो इन्होंने वक् वक् थावां दे किसानां नूं सेल किए सन। ये टोटल सारे का सारा सीड 773 राशि कंपनी वालों तैयार किया बीज की नकल की गई सी। इस तरह के व्यापारी अपनी ज्यादा कमाई के चक्कर में उस गरीब किसानों को कितना नुकसान करते हैं शायद उन्हें अंदाजा नहीं। ऐसे व्यापारियों को जेल जाना चाहिए। ये थी फाजिलका से कैमरामैन सुरेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह की खास रिपोर्ट। आप देखते रहिए हमारा वेब न्यूज चैनल voiceofindia.net।